कहानी आज होली लहू के सहारे। एक राजा की कहानी आप लोग गौर करेंगे। मैं घमंड तो नहीं दावा जरूर कर सकता हूँ, आंख से आंसू आवे ना आवे ए बाबू, लेकिन हाई कलेजा तो पसीज ही जाएगा। गजल का टुकड़ा मिलन मास्टर साहब, किसी शराबी को राजेश भैया, किसी शराबी को शराब पीने की दावत मिली है। वह ऐसी तैसी दारू नहीं है बाबू, नूरे नबी के दरबार की दारू है। कैसे शशिकला जी, अरे तेरे जुल्फों की छाया में हंस के, अरे तेरे जुल्फों की छाया में हंस के प्यार से उम्र भर हम पिए। संकेत का दिलम क्या बात है, अरे बूटी कर बिटिया फुलंदा का शादी रचा दिलम, बिटिया सयानी बा शादी काबिल बा, शादी रचा दिलम और चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिए बाबू, ऐलान करवा दिए, तमाम देश के राजा महाराजा आए। लेकिन शादी में शरत का रखलन ये भैया नजम कलाइन बा, महल के बीच में स्तंभ एक गड़ा करके
पुकार नहीं पाए हैं, जुटे अनेक धूप पार नहीं पाए हैं, निशान शंख पति अंत में लगाए हैं, तीर लगी है जाके मीन के नजरिया में, तीर लगी है जाके मीन के नजरिया में, मचा है हाहाकार धूप के बखरिया में। बात के समझला, बूंदी ग्रह का राजा अपने बिटिया फुलंदा का शादी रचौलन, चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिए, ऐलान करवा दिए, तमाम देश के राजा महाराजा आए, महल में प्रवेश किए, राजा साहब के शर्त का रहल, महल के बीचों बीच कस्तम अर्थात खंभे को गड़वा दिए, ऊपरी सिरे पे बाबू एक मछली को टंगवा दिए और नीचे एक कराहे में खौलता हुआ तेल, जे के ऊपर नीचे करके बाढ़ ऊपर करी और मछली के शरीर में बाढ़ कर दी, ए बाबू वही बिटिया फुलंदा से शादी हुई। यह शरत रहा, ए भैया तमाम देश के राजा महाराजा आए, अपने अपने बाण विद्या का अजमाई सब कैलन, ए भैया लेकिन हम बताई ला केहू सफल ना भयन, तमाम राजकुमार जब केहू सफल ना भयल तो एक राजा जिनका नाम शंखपति बताया गया, सियालकोट के रहने वाले हैं, ए भैया 70 बरस उम्र बा भैया राजेश, फुलंदा 20 बरस का बा, 70 बरस का राजा शंखपति महाराज दू जन चतुरा पकड़ के उठौलन ले गईलन स्तंभ के पास, राजा साहब तमंचा पर बाण सटाए, सर नीचे बा बाण विद्या में निपुड़े, ए भैया बाबा चूम के छोड़ दिया, जाके मछली के नेत्र में बाण लगल, महल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, ये भैया सभी राजकुमार राजा महाराजा आवाज, हम लोग इतने बाण विद्या में निपुण नहीं, मछली के शरीर में बाण को बेध पाए, है 70 साल का बुढ़वा माही लटका पत्र बाजी मार ली है बस, हम बताइला जौने मरद का मेहरारू का मरद हाई फाई मिल जाए तो मेहरारू का खैर नहीं, सब ही सोचे थे मन में कि 70 साल का बुढ़वा हाई 20 साल का रानी कैसे बीती हो, ए भैया आदेश हुआ, रानी साहिबा फुलंदा अपने सखियों के साथ जयमाल सजा करके राजा शंखपति महाराज जी के पास आई, इधर शंखपति महाराज जयमाल सजा करके फुलंदा के गले में जयमाल को डाल दिया, फुलंदा शंखपति महाराज के भैया निवेदन पर डिस्टर्ब मत करा भाई आप ही है, ए भैया फुलंदा गले में शंखपति महाराज के माला डालस, शंखपति फुलंदा के गले में जयमाल डाल दी, शादी संपन्न हो गई, अब भैया हम बताई ना जब शादी विवाह संपन्न होला तब बिटिया का घरवा से विदाई होला, जोने घरवा से बिटिया का विदाई होला, ए भैया ऐसा लागेला कि घरवा में मातम जैसे जनाजा उठेला, माई बाबू भैया भौजी सब ही दुखित हवे, छतिया बिहरत बा, फुलंदा का तैयारी होत भैया का गीत का लाइन मिलल, ए शशिकला कौनो दुल्हन अपने मर्द से गुसियाल रहे, मर्दवा कहे हम का ना करीला हो तोहरा खातिर, फिर तू कहे मुंह फुलावेल रहलू कहला से का, हवा फुला
क्या बात है। हेलो, हमारा आदरणीय बड़का भैया घर मालिक महोदय आदरणीय राजेश कुमार पाल भैया करतौड़ा के पावन सरजमी से इसी भाव पर खुश होकर के 101 रुपए का पावन पुरस्कार भैया का बार बार प्रणाम बा। आप लोगों से भी प्रणाम बा, नमन बा, कोनो त्रुटि हुई तो क्षमा करिया। लेकिन एहर बिटिया फुलंदा का विदाई होत बा। बिलखत हुए बाबू बिलखत हुए। अरे बेटी के धीरा करो बखवाली बोली में बैठवाली विदाई हो गई। और भैया भयल का राजा साहब तैयारी करके चल दिए। अरे डोलिया सजाया लिया के सियालकोट पहुंचलन फुलंदा के डोली सजा करके बाबू आ गई। सारे तरफ शोर हो गया कि संकपति महाराज नई दुल्हन लेके आए हैं। एकदम बड़ी सुघर रहे शशिकला मतीन। ए भैया हरी बगल के मतारी लोग देखा आइलिन दुल्हन। जब नई नई गांव में दुल्हन आवेला तो लोग पैसा कौड़ी लेके जाएला दुल्हन देखे आइल हो। तब भैल का गीत का लाइन बा। शिकायत मना मन काना फुसी होत बा। अरे कैली सोरालू गैया ना हो कैली सोरालू गैया कैली सोरालू गैया
गए हो। आपस में मतारी बहन लोग कहलिन कि तोहरे पिया के बुढ़ाई आ गई हो, तोहार उम्र 20 बरस, तोहरे मर्द के उम्र 70 साल, कैसे बीती। मई बहन लोग और का कहली, अरे बेटी कवने जिंदगी माटी बनवलू ना, जिंदगी माटी बनवलू ना, कवन माई भैली हो तैया, कवन माई भैली हो तैया, भैली सो आलू गैया, कहलिन कि का बिटिया तुहार माई कोनो मैभा मतारी रहली का, या ये धन पर लोभा के तुके 70 साल बुढ़वा के साथे शादी कर दिली। रानी के बतिया ओ सबही मतारी बहन के बतिया रानी साहिबा के दिल दिमाग में बोझा लगल, ए बाबू भयल का तेरी कलाइन मिलल। अरे पतिहरा डाली डाली पर बोले, अरे पतिहरा डाली डाली पर बोले, अरे तावन झूम उठा घिर गई बाहर, अरे गई बाहर काली पपिहरा डाली डाली पर बोले। अरे भैया रानी साहिबा सोचत हवे कि कैसे उम्र बीती, मतारी बहन लोग तो अपने घर चल गई। अभी बतिया गूंजे लगल कि 70 साल का उम्र राजा का हमारे, हमार 20 बरस में कैसे उम्र बीती। लेकिन ये भैया भयल का कर विचार पूरन मल एक दिन, अरे कर विचार पूरन मल एक दिन, अनुपम अस्त्र सजा करके करके गौर से लख रानी पूरन को, अरे गौर से लख रानी पूरन को मन मयूर मुस्का करके, घन घमंडन भगर्जत तर्जत बेधे बदन नसा करके। रानी साहिबा सोचत हवे इतने में शंखपति महाराज के पहली औरत का लड़का जोने का नाम पूरन मलबा, ए भैया एकदम 24 साल का मरद हो बा, एक दिन अपन जहिया लिंगोटा पहन करके फेटा कटारी लेकर के या चल दिया शिकार खेले। जब निकलल तो ऐसे रानी साहिबा का नजर वही पूरन मल पे पड़ल। भैया या रानी साहिबा मनवा मन सोचे लगलिन, ओए होए ए प्रभु अगर यही से हमारे कांटा भिड़ जात तो हमारे महल में बड़ा आराम से जीवन व्यतीत हो जात। अब रानी के दिल में ही बात गूंजे लगल, रानी साहिबा कैलिन का गीत कलाइन मिलल। अरे सासू पनिया कि सासू पनिया का कैसे जाई रसीले दुइनौ नैना, लेकिन फुलंदा कैल सका, अरे काशी से, अरे काशी से लिया बुलवाई कहाँ जाला छयलवा मस्ती, पूरन मल को अपने विश्राम रूम में बुलवा लिया। जब बुलवा लिया पूरन मल जब पहुंचलन तब धर्म का मतारी का पैर छुअलन, मई बतावा कोने खातिर तू हमके बुलवलू, का काम पर गयल ना। फुलंदा कहलस इमोरी चढ़ली जवानी बयाई, पूरन मल
मोरी चढ़ली जवानी बयाई पातू के तोहरे बुढ़ाई मोरी बरस तोहरे बाबूजी का उम्र 70 बरस कैसे बीती हो तोहरे बाबू निवेदन करीला ए पूरन मल कि तू हमसे यही महल में शादी करला आराम से हमार तोहर जीवन बीत जाए पूरन मल आभास हो गए मोरी चढ़ली जवानी बयाई तू के तोहरे बुढ़ाई अरे पनिया में ए बाबू पूरन मल जब इतनी बात सुनलस ते आभाक हो गई अरे माई तू धर्म के बेटा के ऐसन बात कहा तनिको तोरे लजियो ना आवेला अरे एक माई बेटवा के रिश्ता का होला माई तू धर्म का हमार मतारी ना हो ना माई हम ऐसन ना करब कहला से पूरन मल अगर तू हमारी बात नहीं मानता तो इसका अंजाम बुरा होगा कहला माई चाहे जो हो जाए लेकिन पूरन मल ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ए भैया फुलंदा सुचलस की पूरन मल मानी ना जबरदस्ती पकड़ना चाहती है अपने अखबार में अपनी हवस को पूरा करना चाहती है भैया पकड़स तो जरूर लेकिन मर्द और नारी में अंतर होला पूरन मल छुड़ा लिहलस ए बाबू जाय लगलल एक गलती हो गयल पूरन मल का फेटा और कटार वहीं छूट गयल काल हो गई शिकार खेले आयल अयोध्या शंखपति महाराज कहीं से घूम टहल के महल में जब प्रवेश कैलन जाके देखलन विश्राम रूम में तो रानी साहिबा नहीं है कोप भवन में रानी साहिबा वही फेटा और कटार लेकर के अपने वस्त्र को बिखेर दिया श्रृंगार को बिखेर दिया रानी अपन त्रिया चरित्र दिखा दिया ए भैया फुलंदा रोए लगल शंखपति महाराज देखलन कहन है रानी साहिबा बात का हो कहे के रोवत हो तब फुलंदा कलश का गीत कलाई मिलन अरे तिरछी नजर से वार कैलू कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहल या शशिकला अरे तिरछी नजर से वार कैलू लजैलू काहे पाजरा बुलाई के निरंजन पाल भैया बुलंदा कहलस का राजा शंखपति महाराज से अरे जीवन हम कैसे बिताई भैया अरे जीवन हम कैसे बिताई महल मेरा जियरा जीवन ना बिता पाई ना रह पाई अरे तू अपना खातिर दिए के ले आई हुआ कि अपना बेटावा खातिर शंखपति महाराज कहलन रानी साफ साफ बताओ बात का हो कहली ना फुलंदा अरे बेटावा पूर
रहिया ना तो पूरन मन पर साथ कैलस का अरे बेटा पूरन मन तू समन महल में ना रहा बिल्कुल ना रहा तू अपना खातिर भी यही के ले आयल हुआ कि अपना बेटवा खातिर कलश रानी साहिबा बात का हो कलश सैया तू ना रहेला ना पूरन मल हमारे घर में आया और हमारी आबरू को लूटना चाहा लेकिन मैं अपनी आबरू को बचाई इज्जत को बचाई शंखपति महाराज कहलन ना ना फुलंदा हमारा बेटा ऐसा नहीं है कालत सैया तू ना मनबा तहाई देखा फेटा कटार जवन हथवा में लेहरे लेहले रहली है भैया दिखा दिहलस शंखपति महाराज जब देखलन तो विश्वास कैलन कि हमार पूरन मल आयल हो ए बाबू फुलंदा के चक्कर में शंखपति महाराज फंस गए तिरिया चरित्र दिखा दिया तब शंखपति महाराज जरा सा विचार नहीं किए कैलन हका एगो नौकर भेज करके राजेश भैया कैलन हका अरे शंखपति राजा ऊपर जरा सा विचार नहीं किए एगो नौकर भेज करके तू को जल्लाद बुलवा लिहलन जल्लाद बुलवा लिहलन ये बाबू और पूरन मल का हाथ पकड़ के दोनों जल्लादन का सौंप दिहलन ले जाओ उसी जंगल में कलेजा और दोनों आंख निकाल करके आरती सजा करके थाल में हमें ले आओ ए भैया दोनों जल्लाद कैलन हका भयल का अरे फसिया चढ़ाई दिहले पूरन तू गाना है पूरन तू गाना है तनकौरा मियाना आये लसिया के पीती दिहले ले जा जंगा लावा में ले जा जंगा लावा में गुरु ले जाकर करके पूरन मल को फांसी दे दिए जब पूरन मल मर गईलन ए बाबू तो दोनों कलेजा निकाल करके और दोनों अखिया निकाल करके आरती सजा करके राजा साहब के सामने पेश की पूरन मल को उस जंगल में फेंक दिए और उसी रास्ते में बाबू रात जब हो गई धीरे धीरे भुहरी का समय आई उसी रास्ते से गुरु गोरखनाथ जी आवत रहलन बगलवा तलसिया ना गुरु गोरखनाथ जी लसिया का जब देखलन आवाक हो गए और बैठ गईलन भोरहरी के समय रहल उस लाश के विषय में अपने तपोबल के द्वारा मंत्रो उच्चारण के द्वारा जनलन तब कैलन का अपने योग शक्ति से गलने था भूतिया हो गलने था भूतिया हो ललना ए बाबू अपने झोली से
भभूति निकलन अपने मठ कपने योग क मंत्र उच्चारण करके पूरन मल के शरीर पे आंख पे लेप कर दिए। जब लेप कैलन हे बाबू तो पूरन मल उठकर बैठ गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया। पूरन मल से पूछलन गुरु गोरखनाथ जी, बेटा ये तेरी दशा किसने ऐसा किया? पूरन मल सारी व्यथा को बताया और जब गुरु गोरखनाथ जी कहलन कि बेटा आज से तू घर की माया छोड़, तो हर एक कर्म में बेटा जोगवाली अल्लाह पाते, जोगवाली अल्लाह पाते, जरूर सना लगाया के। पूरन मल बेटा आज से तू घर की मोह माया छोड़ दे बेटा, आज से चल तू हमारे मठ में और जोगी बन जा बेटा, जोग साधना तू कर। पूरन मल जब गुरु गोरखनाथ की बात सुनल सुकले दिल दिमाग में भाग गई लिए भैया, चल दिया गुरु गोरखनाथ के साथ गयल मठ में। ए बाबू तपस्या करे लगल, एक जोगी का जवन जोग साधना होला, जोग साधना पूरन मल करे लगल। धीरे धीरे समय बीतल गई लिए बाबू, मठ में 12 वर्ष बीत गयल। ए भैया पूरन मल जोग तपस्या में एकदम परिपक्व हो गई, गुरु विद्या जब गुरु गोरखनाथ से पा गई ना, तब 13 साल गुरु गोरखनाथ जी पूरन मल के ले आके गिरुआ वस्त्र को धारण करवा दिए, श्रृंगी गुदड़ी दे दिए, कहलन कि जा बेटा अब तू जोगी तो बन गया और जा तू भिक्षा मांग। और अपने माई के हाथ से जब तक भिक्षा ना ले आई बे तब तक तोर जोग साधना ना पूरा हुई। ए बाबू पूरन मल जोगी का भेष बना करके श्रृंगी गुदड़ी गिरुआ वस्त्र को धारण कर लिया, गावत बजावत निकलल बा। गौवा में निकलल तो गावे कैसे, लेकिन दुख है यहां रुकत नहीं भाई बाबू। कहे का गावे राम भादी राम भादी राम पातवारी आ रे राम पातवारी आ हो राम जी लगई में आई, जहां भिक्षा मांगे देर हो जाए शाम हो जाए, बना के लिट्टी चोखा खा के वही सूत जाए, फिर सुबह हो तो नहा धोके खा के निकले गाओ फिर। अरे जन्म के साथी मोई बाबू यही जगतिया में बाबू यही जगतिया में साथ एक काम और पूरन मल करे, हाथ के भी देखे, हाथ के रेखा देख के बता दे कि तुहरे किस्मत में का लिखल है। अरे बाबू भिक्षा मांगे और शाम हो जाए तो वही खा के बना के सूत जाए, ऐसे मांगत मांगत अपने गांव में पहुंचल। जब अपने गांव में पहुंचल तो गौवा में शोर हो गई बा कि जोगी आयल हो, जोगी आयल हो, भिक्षा मांगत बा लेकिन भिक्षा में कुछ लेत नहीं बा और हाथ भी देखत बा ओकरा एवज में कुछ भी नहीं लेत बा। अरे बाबू गावे कैसे, फाटा ही लुगाईया के माई यही भिखारी आके माई यही भिखारी
अपने दुआरी पे पहुंचल। जब दुआरी पे पहुंचल तो ए बाबू फुलंदा के कान में आवाज गयल कि जोगी बाबा आयल हुए, जोगी बाबा आयल हुए। दौड़त दौड़त दरवाजा पे आयल फुलंदा। जब आ गए ए बाबू तब साधु बाबा का देखली, कल ए साधु बाबा, ए साधु बाबा हमारे वो बात सुनी। फिर जोगी पूरन मल गवलस का जाना मां के साथ माई बाबू यही जगा पिया ने बाबू यही जगा पिया ने तारा माली फेला तारन आरम फेरा यही हो तारा माली फेला तारन आरम फेरा यही हो तारा लगल पूरनमल। तब फुलंदा कहला से जोगी बाबा तनी हमार हथवा देख के बतैता वही तक गुदिया में एको बेटी बेटा नहीं भयल हो, देख के बतैता लिखल हो कि नहीं। हाय हाय पूरनमल हाथ को पकड़ा, जब हाथ को पकड़ा तब कैलन का कहलन का पापट कलाई मिलल। कैसे गोदी में दुलार पैबू, अरे तू सर एक लड़का माई, अरे फांसी पे चढ़ालू बेगुनाह जान करहलू तनिक रहम ना खैलू हो, अरे पाप के गठर लिहलू लादी के परवा हमारी माई हो, कैसे पैबू गोदी में दुलार हमारी कहल माई तू जीवन में बड़ा कसूर कैले हो, यही खातिर तोहरा गोदी में अभी तक बेटा बेटी नहीं भयल, दूसरे के लड़का रहल न मतारी तू के फांसी पे चढ़वा दिलू, फुलंदा नहीं जानत हो कि यह पूरन मल हो। ए बाबू फुलंदा जान गई कि यह कारण हो, अपने गलती का एहसास कैली। ए बाबू इतने में पूरन मल कहस माई हमके भिक्षा दे दा हम चलब, लेकिन एक बात हमार बा राजा साहबा के दरवाजा पर खड़ा हो गई लन। राजा साहब भी नहीं जानत हुआ कि हमार बेटवा पूरन मल हो। ए बाबू वो पूरन मल अपने बाबूजी से कहलस का अल्लाह कलाई मिलल। Yeah!
आपसे कालस की है राजन, आपके घरवा में एगो बुढ़िया मकारी हो, चलत की देरी राजा साहब वही माई से एक बार मिला देता तो हमार जीवन धन्य हो जात। राजा साहब जाके रानी साहिबा से कहलन, पहली औरत जोन पूरनमल का माई बा, ए बाबू पूरनमल का मतारी अपने बेटवा के याद में रोत रोत अपने आंख का रोशनी गायब कर दी ले बा, ए बाबू अंधी हो गईल बा। पूरनमल का बात जाके राजा साहब पूरनमल का मतारी से बतौलन, केहू जोधी आइल बा तोके दुवरिया पे बुलावा था माई। खबर जब बोलिन तो वही दीवाल का सहारा पकड़ के धीरे 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 वही दरवाजा के सामनवा ते आई। पूरनमल आके जब देखलन त पहचान गईलन, यह हमार माई हो, ए बाबू। लेकिन पूरनमल का माई आंख से तो देखत नहीं बा, अंधी बा। सामने आईल धीरे धीरे टोवत टावत पूरनमल के पास पहुंचल, जब शरीर पर टोवे लगल तो पूरनमल के मतारी के शंका हो गई। एक बात कहली पूरन से कि बेटा तुम्हार कहीं पूरनमल बेटा का ना हुआ। पूरनमल कहलस ना रे मतारी, हम तोर पूरनमल ना है। माई कहलस का, अरे पूरन मलना हुआ ना, अरे जौने बेटवा के हमें अपने 9 महीना उदर में लेके पैदा कैली, पाल पोस के बड़ कैली बेटा, अरे कैसे माई का ममता भुलाई रे। ए बाबू पूरन मल का धीरे धीरे अपने छाती से जब लगा लिहलस तो माई के पूर्ण विश्वास हो गई कि हमार पूर्ण हमे भैया। माई रोए लगी, झरझरे आंख से आंसू आवे लगल कि बेटा पूरनमल इनकारत बा कि माई हम तोर पूरनमल ना है बा। लेकिन ये बाबू पूरनमल के पकड़ ले हो कह छोड़त नहीं बा कि नहीं बेटा तू हमार पूरनमल हो। पूरनमल बाबू एक काम का कैलस, गुरु गोरखनाथ का मठ का दिहल भभूति अपने झोली से निकललस, कैलस का खड़ी लाइन मिलल। मठ का दिहल बहुति निकल झोली से गुरु गोरखनाथ का नाम लेके माई के अखिया पे भभूतिया लेप कर दिहलस, लगा दिहलस मंत्र पर के फूंक दिहलस, माई का रोशनी वापस आ गई। जब माई का रोशनी वापस आई, ए बाबू पूरन मल का पकड़ लिहलस कवारी में तो पकड़ ले बा, उछतिया से सटा लिहलस कहलस की बेटा, अरे बेटा पूरन मल तो उनके काहे के गन्ना करत हवे रे, कहीं तो हमार बेटा पूरन मल हवे बेटा, काहे के तू जोखी बन गईला बेटा, कैसे बन गईला रे। माई रोवत बा अखिया से झरझर आंसू आवा था, बेटा तू बेटा हमके कौने डारी लगा के चल गईला रे बेटा। पूरन मल काला समाई, क्या करे माँ, अब तो हमारे जीवन में जवन लिखल रहा मतारी है ना भाई, हमारे जीवन में माई एक जोग साधना लिखल रहा मतारी, आज होके हम पा गईली।
माई कहत बेटा तू हमके कौने डारी लगौल। माई पूत कपूत हो सकता है, फरमाता कभी कुमाता नहीं होती है बाबू। माई अपने बेटवा के जीते देखल कि बेटवा हमार जोगी हो गई लन। आज हम कैसे अपने बेटवा के अपनाई हो। माई कछतिया ममता से बिहरा लिए बाबू, बेटवा के खालस बेटा हमके कौने अधजल में तू छोड़ी के गईला बेटा। ए बाबू अपने बेटवा के कहला सका याद आवे पूरन मलकत माई खे तुलारा जब जब याद आवे माई के दुलार बेटवा के तो माई के पकड़ के रोए बेटा। ओ माई बेटा के पकड़ के रोए पैदा कही के बेटा हम गीले में सुतली तो के झूले सुता के पाल पोस के पैदा कही के बड़ कहली बेटा आज तू हमके कौने डारी के चिरई बनौला रे। ए बाबू माई के दुख बेटवा के नाही बर्दाश्त ना बेटवा के दुख माई के बर्दाश्त। कहला समाई अब तो हमारे जीवन में जवन जोग साधना लिखल रहल मतारी तो हो गई। अब टाले ना टली ए माई आपन ख्याल रखे हाँ औकरा साथ साथ माई अपने हाथ से हमके भिक्षा दे दा मतारी। पूछल माई काहे खातिर भयल रे। माई बतौली बेटा बतौलस कि माई मैं भा मतारी के चलतन आज जोगी हम बन गई। माई से कहला से माई अपने हाथ से हमके भिक्षा दे दा और फटही लुगरी भी दे दा माई हम चल जाई माई हमार जोग साधना पूरा हो जाइए। माई माई ले आके अपने बेटवा के भिक्षा दिहलस और सुंदर लुगरी ले आके बेटवा के दिहलस। कैला सका माई अरे राज तरफ राज से भईली विदाई को भिक्षा दिहली गुदरी दिहली और पूरन और माई का चरण स्पर्श कई के चल दिहलस। माई के झरझर झरझरे आंख आंख से आंसू आवत बेटवा भी रोवत पूरन मल चला जात हो राज दरबार से विदाई हो गयल। ये हमारे विरह का दस्तार रहल। ए भैया पूरन मल एक मैभा मतारी के चलते जोगी बनल शंखपति महाराज प्रिया चरित्र का नाश समझ पौलन। ये हमारे विरह का दस्तार रहल। स्वामी गुरु बिहारी रमन बन गए नारायण जोगी। अरे ही